हेलो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको कुछ अच्छा दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड। जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन यूएस में भी एक वृंदावन है, तो आज हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो फ्रेंड भी जा रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली। सो वो अपने अपने कार पे है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज आपको दिखाऊंगी यूएस का कैसा वृंदावन है। मैं इंडिया वाला तो गई नहीं हूँ, पर यूएस वाला मेरे नसीब में था कि मैं यूएस वाला वृंदावन जाऊं, तो मैं वहां जा रही हूँ। रिधान, आर यू एक्साइटेड? सो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप है यूएस में। सो बहुत इंजॉय, मैं बहुत खुश हूँ। सो लेट्स गो गाइज, आपके साथ शेयर करती रहूंगी, वीडियो अपडेट करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं तो पूरा फैल गई हूँ आराम से, और रिधान का तो बस बैठते ही खाना पीना शुरू हो गया है। रिधान, दादी के गांव में क्या देखे थे? रिधान को पता नहीं कहाँ से दिमाग आया कि अभी हम लोग हॉर्स देखे। अभी हम हॉर्स दिखा, तो जैसे हम बच्चे होते थे जब हॉर्स या कोई ऐसे एनिमल्स देखते तो जो रेगुलर हमें दिखता नहीं था, तो हम कितने एक्साइटेड होते थे। तो अभी बहुत सारा हॉर्स हम देखे, तो रिधान को दिखा, तो रिधान को ऐसे कोई एक्साइटमेंट हुई नहीं। उसके बाद रिधान क्या कह रहा है, ऐसा हमें डैडी के गाँव में देखा। डैडी का गाँव, कौन सा गाँव में रहते हैं डैडी? पता नहीं यार, ये रिधान ही बता सकता है। बता रिधान, डैडी कौन से गाँव में रहते हैं? दादी वाला गांव में। दादी दादी वीडियो देखेगी ना, मारेगी, बेटा मेरा घर का गांव बना दिया। सो गाइस, ऐसे ही फन करके, और मैं तो पूरा फैल गई हूँ, और मैं अब जा रही हूँ सोने। सो गाइस, हम लोग अपने पहले स्टॉप में आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा व्यू है, मतलब जस्ट ऐसा स्टॉपेज है। और पीछे वहाँ दूर दूर में मेरी एक फ्रेंड है जो वो पहुँच चुकी है पहले, सिप्रा रानी। कृष्णा बेबी फर्स्ट हो गया। हेलो, वॉशरूम कहाँ है? वो पता नहीं, उनका तो 10 मिनट्स बोले, 6 मिनट हम लोग बंद हो गया है। मेरा तो फोन ही बंद हो गया है, मतलब मेरा फोन नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो कृष्णा, कृष्णा फर्स्ट हो गया। देखा, हम दूसरे प्राणी तीसरे प्राणी भी आ गए हैं, ये लोग थर्ड हो गए। बच्चा कहाँ से आ गया? प्यारी तेरे हाथ में इतना जल्दी? कृष्णा आ गया ना, कृष्णा भी नहीं था, कृष्णा दीमो 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 तुम तो पीछे हो गया दीमो। रेस्ट एरिया 2 में आ गए हैं, और इस बार हम फर्स्ट हुए। ये सो शायद पीछे ही सिप्रा लोग भी है, अब देखते ही, तो धूप धूप दिख रहा है, इधर बैठेंगे हम। तो यहाँ पे हम करेंगे लंच, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। ये लोग भी पहुंच गए सेकेंड नंबर में। हम लोग का यहाँ पे लंच हो रहा है, क्या क्या है, नूडल्स, पुआ, पूड़ी, और ये रिधान, और इधर बच्चे वाले डीमो। तो गाइस, हमारा खाना पीना हो गया सेकेंड स्टॉप से, अब हम जाएंगे थर्ड स्टॉप, उसके बाद हम जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन में। सो ऐसे खाते पीते हम जा रहे हैं, एंड अब यहाँ से निकलेंगे। और मुझे तो आ रही है भयंकर वाली नींद, वैसे मैं ये
व्यू इतना अच्छा है ना कि मुझे रिकॉर्ड करने से मैं ना बाज नहीं आ रही थी। सो ये सब चीज़ मैं कैप्चर करके आपको ज़रूर दिखाना चाहती थी। व्यू तो मुझे इतना मस्त लग रहा था, लगा था बस रोड में गाड़ी चलता जाए और मैं व्यू इंजॉय करती रहूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए 10 मिनट से यहाँ से और बस पहुँचने वाले हैं। शिप्रा और सुशांत भैया हमारे साथ साथ पहुंच गए, बस प्याली और तन्मय भी अभी तक नहीं आए तो हम चेकिंग करते तब तक वो लोग आएंगे। एंड व्यू तो इस होटल से जो मौसम वाला व्यू आ रहा है ना जबरदस्त, बिल्कुल हिल स्टेशन वाला फीलिंग आ रहा है। गाइस हम आ गए अपने रूम में, ये हमारा रूम है। गाइस यहाँ पे हम हो गई हूँ मैं रेडी एंड मैंने ये पहना है इंडियन वेयर, पूरा एकदम सती सावित्री बन गई यूएस में। एंड यहाँ रिधान दिखाओ, रिधान भी पहना है कुर्ता एंड राजेश भी पहने कुर्ता। तो इतना तो हम इंडिया में भी इंडियन पहन के नहीं जाते मंदिर कुर्ता वर्ता सब हम वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स का, वो रेडी हो जाएंगे तो फिर हम हो जाएंगे। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं वृंदावन मंदिर के लिए और व्यू तो इतना जबरदस्त ऑसम व्यू है ना, पूरा लग रहा है कि सच में कोई तीर्थ में ही जा रहे हैं ऐसा फील आ रहा है। मीना अरे कैसा लग रहा हूँ, गुंडा साउथ इंडियन गुंडा, खाली करा। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, लेक वगैरह सब पड़ रहा है और बड़ा बहुत मजा। सो गाइस हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं ये एंट्रेंस में रेस्टोरेंट और होटल है, जो लोग यहाँ स्टे करना चाहते हैं वो पे होटल में लॉज में रह सकते हैं। और ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस, वृंदावन राधे कृष्ण का मंदिर, ये स्कॉन का है एक्चुअली और बहुत अच्छा मंदिर था ये। सो गाइस ये मंदिर है और इस मंदिर में क्या था ना, कृष्ण जी के जितने रूप थे ना यहाँ पे उन सबको बैठा रखा था। और जो इस्कॉन के जिस्कॉन को फाउंडर थे इस्कॉन के, उनके भी स्टैचू बने हुए थे। और मुझे तो इस्कॉन टेंपल बहुत अच्छा लगता है, मैं इंडिया में भी थी तो बहुत घूमती थी। सो ये है राधे कृष्ण के मंदिर, पता नहीं इस मंदिर में आके एक अच्छा सा सुकून मिलता, लगता कितनी देर तक बस भगवान के पास बैठ के ना उनको देखती रहूं और कुछ ना करूं। मेरी जनता आ गई, ये नहीं है ना, अच्छा तो लगवा लेना। तो यहाँ पे कृष्ण मंदिर है। सो गाइस ये मंदिर का इंटीरियर है, इन्होंने इंटीरियर भी बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि एक फॉरेन कंट्री में हमारे कल्चर के मंदिर को टेंपल को इतना अच्छा इंटीरियर किया जाएगा और इतने अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा। सो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे मैंने देखा था कुछ फॉरेनर्स भी थे जो सेवा में लगे हुए थे इस्कॉन के। मंदिर के अंदर ही ये गिफ्ट स्टोर था और यहाँ पे जितने भी भगवान की पूजा पाठ की चीज़ें होती है वो सब इजीली यहाँ पे मिल जाती है। लाइक जो भी कृष्ण भगवान को अपने घर पे रखते हैं, उनके वस्त्र, उनके सामान, अगरबत्ती, ये सब बहुत यहाँ पे सब चीज़ इजीली मिल जाते हैं। पूजा का मैंने तो कुछ चीज़ें ली यहाँ से। एंड यहाँ पर वृंदावन करके घी आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, आप अगर जाते हो तो वहाँ से ज़रूर टेस्ट करना। लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल की जितनी भी सिंगार की चीज़ें थी सारी चीज़ यहाँ पे थे, उनके वस्त्र थे। सो ये प्ले एरिया भी है यहाँ पे और यहाँ बचरी धान, लुक एट हियर,
फैला के छोड़ दे, फैला के जाओ ना, जाओ उसके पास, फैला के छोड़ दे फैलाई। She's so beautiful, you know? फैलाई थी हम लोग के सामने। खाने के लिए कुछ मांग रही थी। हम लोग फैला के लिए थे फोटो। अभी हम इधर जाएंगे वॉक करने के लिए और ये बहुत एरिया में वृंदावन है और अगर आप यहाँ रह रहे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, आ रहा है मुझे अभी। सो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा वॉक करने उधर, देखते क्या है। इस एरिया पूरा ये पिकॉक ट्रेल था, यहाँ पे पिकॉक हंस वगैरह था। सो ये हंस की दो जोड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही थी लेक के किनारे, और यहाँ पे बहुत सारे पिकॉक देखने को मिल रहे थे। ये देखो, अब पता नहीं क्यों जब सब लोग थे तो पिकॉक अपने पूरे वो फेदर फैला रही थी, बट मैं नहीं देख पाई, मैं मिस कर गई और मैं बहुत कोशिश की पर नहीं देख पाई। माई बैड लक, दोनों एक साथ फैला के ना मेरे तो मज़ा आ जाता मुझे। क्या मस्त पिकॉक है यार, गाइस सीरियसली मैं पहली बार पिकॉक का आवाज़ सुनी हूँ। ये सुनिए आप ही, अब नहीं बोलेगी, जब मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ ये बोलना बंद कर दे रही है। ये मेरे लिए विश्वास करने लायक नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम वाइट मोर देखा है, वाइट पिकॉक, और ये इतनी खूबसूरत थी, मैं बहुत खुश हो गई ये देख के। सो गाइज, ये शाम की आरती हो रही है और इसके बाद ना मैं आपको ऐसे रैली जैसे यहाँ पे निकलती है, तो ये शायद सैटरडे संडे होता है वीकेंड में, या उस दिन स्पेशल होता है। सो अभी यहाँ पे निकलने वाली है, हम हरे राम गाते हुए पूरे लेक के साइड पे जाएंगे और बहुत अच्छा नज़ारा आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज, ये टेम्पल से इस तरह से रैली निकाल के हम वो लेक जो अभी आपको दिखा था ना, वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे हरे राम का कीर्तन करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत लोग जुड़ गए थे। सो बहुत मज़ा आ रहा था जाने में, और मतलब ये पूरी मंदिर का ना ये जो हुआ ना अभी इवनिंग में, वो बिल्कुल भी पूरा मज़े आ गए हमें, बहुत हमने इंजॉय किया इसको। Be careful in the grass. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everybody please. Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. सो गाइज, ये लेक में वो जो आपको दिख रहा है हंस में, हंस बोलते हैं, उस पर राधा कृष्ण की मूर्ति आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर, बहुत मज़ा आ रहा था। हरे कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम
मैं वृंदावन का टूर कराना चाहती हूँ, कुछ भी मिस नहीं कराना चाहती अपनी वीडियो में। सो उस राधे कृष्ण के पास इतना लाइक था ना कि मोबाइल में इतना अच्छे से आ नहीं पा रहा था, बट ये राधे कृष्ण की मूर्ति वहाँ से आई, ये हंस पे चल रही थी, बहुत अच्छा लगा देख के हमें। हरे राम 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 हरे हरे, आरती वगैरह हो गया और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन था, और उस दिन यहाँ पे फायर शो भी था, क्रैकर्स, बहुत सारे क्रैकर्स उन्होंने बस्ट किया, बहुत अच्छा लगा हमें देख के और बहुत मज़ा आया। रिद्धि भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, वो तो बिल्कुल हिलना नहीं जा रहा था यहाँ से। सो ये देखाना बहुत बड़ा लग नहीं रहा था कि हम एक अलग कंट्री में हैं, लग रहा था ये बिल्कुल हम इंडिया में ही हैं। और गाइस जो था वो ख़त्म हो गया, और इसके साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब।